नमस्कार, फूड फॉर लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैगी की रेसिपी बनाएंगे, बॉम्बे स्ट्रीट फूड जो रेसिपी बनाएंगे, जो सबको बहुत पसंद आती है और बच्चों को की तो फेवरेट ही है। तो आइए, इसके लिए जो है हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट लिए हुए वो हम आपको दिखा देते हैं। इसके लिए हमने 1.5 पैकेट मैगी लिया हुआ है और आधा टमाटर काट के ले लिया छोटा छोटा, आधी से भी कम शिमला मिर्च ली है क्योंकि सिर्फ हम 1.5 पैकेट ही मैगी बना रहे हैं। और कॉर्न लिया हुआ है, थोड़ा इसको बॉईल कर दिया है। और एक प्याज, छोटी प्याज काट के ले ली है। इसके लिए हमने रेड चिली सॉस लिया है 2 टीस्पून, ऑरिगेनो लिया है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स लिया है, मैगी का मसाला है 1 पैकेट, चीज लिया है, सॉल्ट लिया है 1/2 टीस्पून स्वाद के अनुसार, मेयोनीज लिया है। हम मेयोनीज और चीज से अलग अलग दो तरह की मैगी बनाएंगे। ऑन करके चलिए, हमने पैन रख दिया है मैगी उबालने के लिए, इसमें हम पानी डाल देते हैं। ये देखिए, पानी जो है बॉईल हो गया है, अब इसमें हम ये मैगी डाल देते हैं। मैगी को थोड़ा सा तोड़ के बस ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा, फिर इसको हम छन्नी से छान करके फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, मैगी हमारी पक गई है और इसको पूरा नहीं पकाना है, 1/2 बॉईल ही करना है। अब इसको हम स्ट्रेनर में छान देते हैं। गैस की फ्लेम को धीमा कर दिया है। इसमें थोड़ा सा हम रिफाइंड डाल के मिला देंगे। रिफाइंड डालने से इसका जो स्टिकीपन होता है वो नहीं होता, एक दूसरे में चिपकता नहीं है, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा रिफाइंड डाल करके मिला देते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम करके पैन को रख देते हैं। पैन थोड़ा गर्म हो जाए, फिर इसमें हम रिफाइंड और बटर दोनों 1/2 टीस्पून डालेंगे। ये पैन गर्म हो गया मेरा, इसी में हम 1 टीस्पून बटर डाल देते हैं। और इसमें जो हमने सब्जियां काट के रखी हैं उसे हम डाल देते हैं। पहले हम अनियन डाल देते हैं, प्याज, प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, शिमला मिर्च डाल देते हैं, साथ में कॉर्न भी डाल देंगे। ये सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, इसमें हम टमाटर डाल दे रहे हैं और टमाटर के साथ ही हम इसमें नमक डाल देते हैं 1/2 टीस्पून। थोड़ी सी सब्जियां सॉफ्ट हो जाए, टमाटर गल जाए, इसके लिए थोड़ी देर 2 मिनट के लिए हम इसको ढक के रख देते हैं। ये देखिए, अब हमारी सब्जियां जो है उन्हें डाल के वो सॉफ्ट हो गई हैं और बाकी के सूखे मसाले जो है हमारे उनको डाल देते हैं। चिली फ्लेक्स डाल दिया,
हाफ टी स्पून, ओरिगेनो हाफ टी स्पून, रेड चिली सॉस 2 टेबल स्पून, देखिए कलर का कितना अच्छा है, मैगी मसाला भी हम डाल देते हैं, एक पैकेट मैगी मसाला। और जो पानी हमने जिसमें हमने पानी मंगवाला था मैगी, थोड़ा सा 2 टेबलस्पून के करीब पानी इसमें हम डाल देते हैं। इससे ये सब्जी जो है ड्राई ना हो। अब इसमें हम मैगी डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को स्लो कर दिया है। अब मैगी को अच्छी तरह से मिला देंगे मसाले में। ये देखिए हमारे मसाले मैगी में अच्छे से मिल गए हैं। और आधी मैगी हम प्लेट में निकाल के निकाल देते हैं और आधी मैगी हम पैन में रखने देते हैं। इसमें हम मेयोनीज मिलाते हैं। मेयोनीज का टेस्ट मैगी में बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार जरूर इस बार ऐसे बना करके ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मेयोनीज हमारी अच्छे से इसमें मिल गई मैगी में। इसको हम प्लेट में ट्रांसफर कर देते हैं। और ये जो पहले हमने मैगी निकाल के रखी थी प्लेट में, इसमें हम चीज डालते हैं। हमने अमूल का प्रोसेस चीज लिया हुआ है, क्यूब्स वाला। अब इसके ऊपर हम इसको इस तरह से डाल देते हैं। ये हमारी एक चीज वाली मैगी हो गई और एक मेयोनीज की मैगी हो गई है। ये देखिए हमारी एक ही चीज मैगी हो गई है और एक ही मेयोनीज वाली मैगी हो गई है। दोनों का अपना अपना टेस्ट बहुत अच्छा है। और इसको बनाइए, खाइए। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबाइए, जिससे मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और ये स्ट्रीट फूड मैगी है।